हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के साथ ही गर्भवती महिलाओं में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होते हैं और तीसरे महीने से लेकर के 9 महीने तक बहुत सारे गर्भवती महिलाओं में लक्षण भी नज़र आते हैं। इन लक्षणों से ये संकेत मिलते हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की है। तो कौन कौन से वो लक्षण है जिससे पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, उसी के बारे में वीडियो में बात की जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही बहुत सारे आप में लक्षण नज़र आने लग जाते हैं, जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं होते हैं, बस आपको स्मेल की समस्या होती है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है किसी भी चीज़ की। लेकिन अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग होना, बीपी लो होना, चक्कर आना जैसी समस्याएँ होने लग जाती हैं। और अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको उल्टियां होगी, लेकिन आपको उल्टी नहीं होती है। और अगर आपको उल्टियां होती भी हैं तो 1 से 1.5 महीने तक ही। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया होता है तो उल्टियां आपको 3 से 4 महीने तक भी हो सकती है। और अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो हो सकता है कि उल्टियाँ आपको पूरे 9 महीने तक भी हो। तो लड़की के टाइम पर आपको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से आपके जो बाल हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। साथ ही आपके हाथों में, पैरों में, चेहरे पर आपके जो बाल हैं सिर के, वो आपके अपर लिप्स के जो रोए हैं, गालों पर रोए हैं, ये सारे बढ़ने लग जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाल नज़र आएंगे आपके पैरों में। पैरों में अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल निकलने लगे हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो इससे भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। वहीं पेट पर बनने वाली नाभि लाइन जो है, वहाँ पर भी अगर आपको काले काले रोए नज़र आने लग जाते हैं तो इससे भी आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने से अगर आपको आपकी जो नाभि है वो बाहर की ओर निकली हुई नज़र आती है, कपड़े के ऊपर से भी अगर आपके नाभि जो है वो नज़र आते हैं, तो इससे भी आइडिया लगाया जाता है कि गर्भ में एक लड़का पल रहा है। अगले सिम्टम के बारे में बात करें तो 7वें महीने से अगर आपको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है, साथ ही आपको मरोड़ रहता है पेट में, जब भी आप यूरिन पास करने के लिए जाती हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको पॉटी आ रहे हैं, तो ऐसे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं में ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपके निप्पल्स के जो कलर हैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर के होते जाते हैं और साथ ही आपको दाने उभरे हुए से नज़र आते हैं निप्पल्स के आसपास, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। तो ये थे वो खास 5 लक्षण जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की, लेकिन इनका कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। ये सारे लक्षण दिखने पर हो सकता है कि आपको लड़की भी हो जाए, क्योंकि इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये बस कही सुनी बातें हैं, तो इससे 100% श्योर आप बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।